अच्छे और मजेदार न्यूज़ हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। भारत को सबसे प्राचीन और विशाल देश माना जाता है, जहां कई धर्मों के लोग रहते हैं और उनकी शादी से जुड़ी रस्में भी अलग अलग होती है। भारत में आपको कई अजीबोगरीब रीति रिवाज देखने को मिल जाएंगे। आज हम जिन देशों की बात करने जा रहे हैं, वहाँ शादी को लेकर काफी अजीब रस्में निभाई जाती है, जो अक्सर लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि वाकई आज भी कुछ देशों में ऐसा होता है। लेकिन हालांकि यह अजीब प्रथा काफी हद कम होती जा रही है। मेघालय में आज भी कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं, महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ महिला अपनी मर्जी से किसी के साथ भी शादी कर सकता है और अपने मायके में ही पति को रख सकती है। हालांकि यह परंपरा अब काफी हद तक कम होती जा रही है। हिमाचल के कन्नौर जिला जितना अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, उतना ही वहां की एक महत्वपूर्ण प्रथा भी काफी मशहूर है। इस गांव में एक ही लड़की के पूरे परिवार के लड़कों से शादी कर दी जाती है। छत्तीसगढ़ के धुरवा आदिवासी जनजाति में भाई बहन आपस में शादी करते हैं। इसमें ममेरे और फुफेरे भाई बहनों की शादी की जाती है। अगर कोई ऐसा करने से मना कर दे तो उसे जुर्माना चुकाना पड़ता है। राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में गरासिया जनजाति बसी है। इस जनजाति में शादी से पहले लड़का लड़की को एक साथ रखा जाता है और शादी पहले ही उन्हें पेरेंट्स बनना पड़ता है। अगर ऐसा न हो तो इस रिश्ते को अहमियत नहीं दी जाती। दक्षिण भारत शिक्षा के क्षेत्र में तो काफी आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ मामा और भांजी की शादी को अहमियत दी जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है जमीन जायदाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।